أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته आज हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद المسلمین पार्टी के चाहने वालों के लिए तेलंगाना विधानसभा चुनाव से एक अहम खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने ऐलान किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इंशाअल्लाह ताला बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अपनी पार्टी की तरफ से और ज़्यादा उम्मीदवारों को यहाँ पर मैदान में उतारेंगे। जी हाँ, इसी को लेकर वहाँ पर अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी निज़ामाबाद, सिकंदराबाद, वरंगल और दीगर डिस्ट्रिक्ट में अपनी पार्टी को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रही है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए लगातार भारतीय जनता पार्टी का गढ़ जो गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की नज़र बनी हुई है, क्योंकि राजा सिंह जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी और मुसलमानों के खिलाफ जहर आलूक तकरीर करता है और लगातार मुसलमानों को लेकर वो जहर उगलता है, उनको हराने के मंसूबे को तहत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी इस मर्तबा गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने नुमाइंदों को मैदान में उतारने जा रही है और इंशाअल्लाह ताला बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के आने से वहाँ पर राजा सिंह और भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मजलिस ने अगर यहाँ से इलेक्शन लड़ा और मजलिस के उम्मीदवार यहां से अपने कैंडिडेट को उतारे तो इंशाअल्लाह ताला भारतीय जनता पार्टी के इस उम्मीदवार को हराकर मजलिस एक नई तारीख गोशा महल के अंदर रचेगी और यहां पर एक नई तारीख के तहत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को बड़ी कामयाबी यहां पर हासिल होगी। तो आप सब मिलकर ऐसे ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से जुड़े रहें। मजलिस से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर को देखने, जानने, पहचानने के लिए बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब